हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। 4-5 दिनों से हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, बर्फ भी गिर रही है। मैं तो सोच रही थी कि एक दिन में 2 एपिसोड डालूं अभी, लेकिन मैं एक ही एपिसोड डाल पाती हूँ क्योंकि इतने जोर से बारिश जो होती है। आपका एरिया का क्या हाल है कमेंट करना जरा। जैसे कि मैं उड़ीसा से हूँ और यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। तो जब मोलिन जिंक्सिया को बेड पे धक्का दे देता है, जिंक्सिया चिल्लाती है नहीं, फिर सोचती है अरे मैं तो एक मॉडर्न आत्मा हूँ, मुझे ये आदि मानव क्या छेड़ेगा। वो मुझे छेड़ने से पहले मैं इसे लाइन पे लाती हूँ और खुद फ्लर्ट करने लगती है। बोलती है, माजिस्टी क्या मैं आपका ड्रेस चेंज कर दूँ। ये सुनते ही राजा वहाँ से दूर खड़े होके बोलते हैं, ये क्या बोले हो तुम। तो रिंक्सिया बोलती है, कुछ नहीं, जो मुझे बोलना चाहिए था वो मैं बोल रही हूँ। तो राजा बोलते हैं, मुझे कुछ काम है रानी जी, आप जल्दी से सो जाइए, मैं बाद में आऊँगा। जिंक्सिया हंसते हुए बोलती है, माजिस्टी मैं आपका वेट करूँगी। ये सुनते ही मोलिन वहाँ से भाग जाता है और जिंक्सिया बहुत हंसती है, मोलिन तो मुझसे फ्लर्ट करेगा, सोचा भी कैसे तूने। दूसरे सीन में याई आके मोलिन को बोलता है, मास्टर वो तो पॉइजन खा के खुद ही सुसाइड कर लिया, सिर्फ उसके हाथ में एक स्नेक का टाटू था। मोलिन बोलता है, ठीक है तुम सीक्रेटली इस पर इंक्वायरी करो। फिर मोलिन अपने बचपन को याद करता है जब उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और एक दिन उनके माँ को केक खाने का बड़ा मन था। तो वो मोलिन को बोलते हैं, मेरी माँ मेरे लिए केक बनाती थी, आज दिल कर रहा है कि एक बार और केक खाऊं। छोटू सा मोलिन जब कहीं से एक केक लेके आ रहा था तभी मेन रानी से वो टकरा जाता है, तो मेन रानी उस पे भड़क जाती है। जब मोलिन बोलता है, मैं तो गलती से टकरा गया, मैं मेरी माँ के लिए एक केक लेके जा रहा था, तो मेन रानी बोलती है, केक वो सौतन डिजर्व नहीं करती ये केक, और उस केक को फेंक देती है। बड़े आए माँ बेटे मुझसे मेरे पति को छीनने बोल के वहाँ से चली जाती है। जब छोटू सा मोलिन इसके बाद रो रहा था, उसके पास छोटी सी जिंक्सिया आके उसे एक केक दे के बोलती है, इसे लो और रो मत, मेरे पापा बोलते थे जो हमें परेशान करते हैं उनके आगे रोके हमें खुद को कमजोर नहीं बनाना चाहिए बल्कि लड़ना चाहिए। मोलिन अपना आंसू पोंछ के बोलती है, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो जिंक्सिया बोलती है, तो अच्छे से खाना खाओ, खुद को स्ट्रांग बनाओ, फिर तुम्हारे दुश्मन जब तुम्हें कमजोर समझे उन पे वार कर दो। छोटू सा मोलिन इस बात को अच्छे से याद रखा, जिसके वजह से आज वो राजा बन गया है। मोलिन बोलता है, जिंक्सिया मैं तुम्हारी जान दो दो बार बचा चुका हूँ, लेकिन अब भी तुम्हारे एहसान के आगे ये कुछ नहीं है। दूसरी ओर जिंक्सिया नॉन वेज के बिना बड़े मुश्किल से खाना खाते हुए बोलती है, अरे 5 दिन क्या 6 दिन हो गए हैं, अब भी नॉन वेज नहीं है क्यों। मेड बोलती है, जो मैडम इंचार्ज में है वो बोले रानी को वेट लेस करना होगा, वो ही किचन में सभी को ऑर्डर दिए हैं कि आपको सिर्फ वेजिटेबल देने के लिए। जिंक्सिया बोलती है, लेकिन मैं रानी हूँ, सभी के ऊपर मैं हूँ, मुझे वेट लेस करने की क्या जरूरत। मेड बोलती है, मैडम हमारे स्टेट में जो लड़की मोटी है उसकी कोई अहमियत नहीं है, आप जनरल की बेटी हो और जनरल आपको बहुत प्यार करते थे, इसीलिए आपके वेट के बारे में किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन अब हम पैलेस में हैं, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, ऊपर से सारे रॉयल ऑफिसर भी बोल रहे हैं हमारी रानी कभी भी एक मोटी लड़की नहीं हो सकती। जिंक्सिया बोलती है, ये कैसे रूल है, लड़की मोटी है तो क्या ये कोई गुनाह है, उन्हें इतनी सजा क्यों, मैं रानी नहीं बनती तो कौन बनेगी रानी, और मैं जैसे रानी बनने के लिए मरी जा रही थी, मुझे यहाँ लोग मारना चाहते हैं,
यहाँ के लोग मुझे खाने के लिए भी तरसाते हैं। हर दिन कोई नई रूल, नई बातें। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। लगता है मुझे यहाँ से भागने के लिए एक प्लान करना ही होगा। मेड बोलती है, मैडम आप क्या बोल रहे हो? जिंक्सिया बोलती है, मैंने डिसाइड कर लिए, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। फिर दोनों प्लान बनाते हैं, जो प्लान तो दोनों मिलके बनाते हैं, लेकिन मेड को कुछ समझ नहीं आती। तो जिंक्सिया बोलती है, तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं, तुम सिर्फ मुझे फॉलो करना। और हमारी पहली स्टेप ये है कि जो भी गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरी इजीली हम ले सकते हैं, सब इकट्ठा कर लो। सेकेंड स्टेप ये है, दोपहर को यहाँ वेजिटेबल की गाड़ी आता है और उसी टाइम गार्ड भी स्ट्रिक्ट नहीं होते, क्योंकि उसी वक्त गार्ड चेंज होते हैं। तो उसी टाइम हम उस वेजिटेबल बास्केट में घुस जाएंगे और यहाँ से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा हमें। फिर दोनों हंसते हैं। फिर प्लान के मुताबिक वो दोनों बाहर निकलते हैं। दोनों बहुत खुश थे। मेड बोलती है, लेकिन मैडम हम यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे? क्या हम साउथ की ओर जाएंगे या नॉर्थ की ओर? जिंक्सिया बोलती है, नहीं हम वापस कैपिटल के अंदर चले जाएंगे। ये सुन के मेड चिल्लाती है, क्या अभी तो वहाँ से निकलेंगे? जिंक्सिया पैलेस में रहना नहीं चाहती थी, फिर भी वो कैपिटल से दूर ना भाग के कैपिटल में ही रहने की बात करती है। क्या उसे डर नहीं है कि कैपिटल में सब उसे पहचान लेंगे, या उसके खुरापाती दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है, या उसके खुरापाती दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी? ये जानते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।